नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। मजबूत बैटिंग और बेहतरीन पावर हिटर के लिए मशहूर पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम 9 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन को शुरू होने में अब बस सिर्फ कुछ ही दिन ही का वक्त बचा है। आईपीएल के आगामी सीजन का पहला मैच 9 अप्रैल को खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन पांच बार के विजेता मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच होने वाले मैच के साथ शुरू होगा। भारत के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली इस मैच में एक दूसरे से भिड़ेंगे। लीग की शुरुआत से पहले मुंबई इंडियंस के तीन धुरंधर एक एड शूट के दौरान मस्ती करते हुए नजर आए हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने ये वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वो खुद हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का ये मज़ेदार वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएँ भी दे रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने पिछले साल यूएई में खेले गए आईपीएल टूर्नामेंट को जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। मुंबई इंडियंस का ये पांचवा आईपीएल खिताब था। मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा पांच बार आईपीएल जीतने वाली इकलौती टीम है। बताते रोहित शर्मा भारत के लिए 38 टेस्ट, 227 वनडे और 111 टी20 मैच खेल चुके हैं। उन्होंने टेस्ट में 2615 रन, वनडे में 9205 रन और टी20 में 2864 रन बनाए हैं। उन्होंने आईपीएल में 200 मैच भी खेले हैं और अपने 200वें मैच में उन्होंने मुंबई के लिए आईपीएल का खिताब जीता है। उन्होंने पिछले आईपीएल सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना 200वां आईपीएल मैच खेला है। उन्होंने 200 आईपीएल मैच में कुल 5230 रन बनाए हैं। बता दें, मुंबई इंडियंस की टीम ने पिछले सीजन यूएई में खेले गए आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को फाइनल मैच में हरा कर लगातार दूसरी बार खिताब को अपने नाम किया था। मुंबई की टीम आईपीएल की ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा पांच बार अपने नाम कर चुकी है। साथ ही रोहित शर्मा 6 बार आईपीएल का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।